से आ रहे हैं आप जी? मैं गुंडा जिले से आ रहा हूँ। कहाँ पड़ता है ये? वजीरगंज, वजीरगंज के पास पड़ता है, अयोध्या के करीब। अभी अच्छा, अयोध्या जी, के पास। जी, यहाँ का पता कैसे मिला आपको? सर मैं करीब 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ आपको। 3 साल से वीडियो देख रहे हैं? जी जी, अभी आना हुआ। एक्चुअली ये इनकी परेशानी अभी 10-15 दिन से बड़ी है। अच्छा। तो इसके पहले इनके घर वालों ने दिखाया था कई एक जगह, तो करीब 40-50 हज़ार रुपये खर्चे हो गए, तो कुछ रिलीफ नहीं, थोड़ा सा दब जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही। फिर हाँ, इन लोगों ने हमें बताया, तो मैं कहा कि फिर मैं एक जगह जानता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको, तो फिर मैं यहाँ लेकर के आया। और फिर घर से ही ऑनलाइन चेक भी कराया था। अच्छा। ये ऑनलाइन चेक कराया था, ऑनलाइन चेक कराया था घर से जी ही। जी, उसके बाद यहाँ जी, तो 5 इनके अंदर था, 5 बाहर और 5 ज़मीन के अंदर था घर में। गारंटी हम आपको दिए थे जो ऑनलाइन चेक? नहीं, गारंटी नहीं। बहुत लोग फोन पे मांगते हैं कि गारंटी, तो किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। आप आते हैं अपनी मर्जी से काम कराइए, समझ में आए तो कराइए, नहीं समझ में आए तो दुकान फाड़ के घर चले जाइए। एक्चुअली मैंने अपनी बहन को भी भेजा था, वो 15 साल से परेशान थी वो, और उस वक्त मैं देख रहा था इस वीडियो को मुसलसल। जी, आपकी बहन की अभी क्या हालत है? ठीक है, अभी ठीक है, है ना? अभी पिछली बार भी दिल्ली में मुलाकात की, वो बराबर आपसे मुलाकात करती रहती हैं। जी, तो जो फायदा होता है तभी आपने एक दूसरे को बताता है। मैं तो 110% कहता हूँ फायदा होता है, इसलिए मैंने। इसीलिए 100 में से 95 ठीक होते हैं, 5 ऐसे हैं जो ठीक नहीं होते हैं। जी जी, अब उनके मन में जो भी हो मालिक जानते हैं क्या है। जी, विश्वास नहीं रहेगा तो सर, विश्वास नहीं है या फिर जो भी सरका पंजा लेके चल रहे हैं तो उनका तो काम कहीं नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? नाम पट्टी खोलिए। कैसे मर गए थे? कैसे मर गए थे? हबीब नाम है। कैसे मर गए थे? गोली मार दिया था। कौन कौन गोली मारा था? कौन गोली मार दिया था? कोई दुश्मनी थी? किस चीज की दुश्मनी थी? किस चीज की दुश्मनी थी? किस चीज की दुश्मनी थी हबीब? कब से हो इनके ऊपर? 1 महीने से। 1 महीने से हो? क्या क्या दिक्कत दिए हो इनको? एक महीने से इनको क्या क्या दिक्कत दिए हो? दो औलाद खत्म हो गए। दो औलाद खत्म कर दियो? खा गए हो तुम लोग? एक पेट में की जब हो गया था तब? हो गया तब, नहीं पेट में। पेट में खा गए हो? और क्या दिक्कत दिए हो? वो लड़का था कि लड़की थी? दोनों लड़का। दोनों लड़का था? ऐसा हुआ है? जी जी। और क्या क्या दिक्कत दी हो इनको? हमेशा बीमार रही। हमेशा बीमार तुम ही करते हो? कब से हो तुम इनके ऊपर? कब से हो इनके ऊपर? कब भेजना है? कब से? आँख खोल के सामने देखो, कब से हो? कब से हो इनके ऊपर? मुक्ति चाहिए तुम्हें? तो बातचीत करो, मुक्ति मिल जाएगी। कब से हो इनके ऊपर? जल्दी जल्दी बातचीत करो, मुक्ति मिल जाएगी। कब से हो इनके ऊपर? सच सच बताओ, कब से हो इनके ऊपर? कब भेजना है? कितने साल से? 10-15 साल से। 10-15 साल से? पहले अभी झूठ बोला 1 महीने से, तो हमें डाउट हो गया, तो घुमा फिरा के पूछे तो फिर बता ही दिया। कौन मारा था तुम्हें? क्या नाम था उसका? बदला लोगे तुम? क्या नाम था उसका जो तुम्हें मारा था? उसका नाम क्या था? हाथ पैसे मारिए। क्या नाम था उसका जो तुम्हें मारा है? तुम्हें कोई, तुम इसके ऊपर कैसे है? कोई भेजा है या खुद से पकड़े हो? भेजी नहीं। कौन भेजा है? बगल में। क्या नाम है उसका? बड़ी तेज से बोलो। कौन है ये?
वो कौन है? इस लड़की के क्या लगते हैं? जिंदा है? मर गए। उनकी उनके औलाद कितनी औलाद है उनकी? तीन। लड़के कितने हैं उसमें? कितने लड़के हैं? तीन औलाद है। लड़के कितने हैं उसमें? लड़के कितने हैं उसमें? लड़के? हाँ। उनके लड़के कितने हैं जो किए हैं, जो तुम्हें भेजे हैं यहाँ पे, उनके लड़के कितने हैं? तीन लड़के हैं। तीन लड़के ही हैं तीनों? हाँ। क्या काम करते थे वो? विजयवाड़ा है काम करते। बोलो। विजयवाड़ा। क्या बोली? विजयवाड़ा में काम करते। क्या काम करते थे? पीओपी। पीओपी पेरिस प्लास्टर। पीओपी। अच्छा, पीओपी का काम करते थे वो? हाँ। आप जानते हैं जिसका नाम बता रही है? क्या वो बताएंगे, इसका नाम बता रही है? लड़का। उनके लड़के करवाए हैं? उनका नाम बताओ ना, कौन करवाया? जो करवाया उसका नाम बताओ। कौन करवाया? बताओ जल्दी करो। जल्दी जल्दी बातचीत करो, मुक्ति चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी बातचीत करो। कौन करवाया? गल्ले। हाँ? गल्ले। गल्ले। क्या? वो कौन लगता है इस लड़की का? भाई। भाई? सगा भाई है? बड़े पापा का लड़का। कहाँ से करवाया? बहुत दूर से, बाबा पिछोछे से। कितना पैसा दिया था करवाने में? मुक्ति चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी बातचीत करो। कितना पैसा दिया था करवाने में? बताओ बताओ कितना पैसा दिया था? 10,000। 10,000। क्या दुश्मनी थी उनकी इनसे? बहुत दुश्मनी है। किस चीज की दुश्मनी है? क्या चीज में करके खिलाया? करके किस चीज में खिलाया? वो खिलाया या कोई और खिलवाया? नहीं नहीं खवाई। कौन, क्या, कब, किस चीज में करके खिलाया? चावल में। चेक हुआ है जो वो कहाँ टूटा? हाँ, वो दिया ना। दूसरा वाला जो मोबाइल में, चावल ही है। चावल ही है उसमें? जी चावल ही है। किस चीज की दुश्मनी है उनकी? ये ऑनलाइन चेक करा के घर में बैठे। चावल खाना? चावल यार हाजी भाई, चावल बता, चावल बता रहे हैं। और कुछ बात करनी है? कितने लोग हो तुम लोग? कितने लोग हो? ही है रिलेटिव में जो गुजर गए वही वही इसके ऊपर है, वही पूछना चाह रहा था। घर के ही हैं सब? कौन कौन है घर का? और बड़ी अम्मी। क्या नाम उनका? ये जो हबीब बता रहा वो रिलेटिव है? हाँ, इनके भाई हैं वो बड़े। अच्छा, आपके भाई कोई को गोली मार दिया था? किस चीज की दुश्मनी थी आपकी? बहुत ज्यादा दुश्मनी। किस चीज की दुश्मनी थी? पैसे को लेकर के, जमीन को लेकर के, किस चीज की दुश्मनी थी? बहुत ज्यादा दुश्मनी रहा। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलेक्ट कर देता हूँ, जा भाई, और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलेक्ट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो,
तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे, मैं बोलता हूं नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पे आपत्ति है, बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है, हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहां तक कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना, मेरी बात समझे, ये कहां कहां से आ रहे हैं, इनका क्या होगा, दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो, सही है। मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे, सही है ना, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूं या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं, तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें, नाम को डीप कर दें, अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है, वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना, और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा, नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए छीनना झपटी हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए, नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन टूट जा
जाते हैं, जिन्हें बाजा बुलाते हैं। एक भूत मारने का खर्च। विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।